YouTube में सर्च करें कुक विद मी 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आपका स्वागत करती हूं कुक विद मी 24x7 चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूं अच्छे ही होंगे एंड आई एम ऑलवेज फाइन। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर मसाला। वक्त जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो इसे बनाने के लिए पहले एक तवा में 1 टीस्पून धनिया, सूखा हुआ लाल मिर्च, इलायची और लौंग, 2 टीस्पून जीरा, इन सब को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ग्राइंडर में डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे। हमारा कढ़ाई मसाला तैयार है। अब तवे में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और उसमें 2 कटे हुए प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज भून जाने के बाद इसमें 6 कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह भून जाने के बाद अब इसको मिक्सर में डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में 1 टीस्पून बटर डालेंगे और उसमें 200 ग्राम पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। हल्का फ्राई हो जाने के बाद पनीर को प्लेट में उठा के रख देंगे। अब फिर से कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और उसमें कटे हुए अदरक और हरी मिर्च डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद उसमें कटे हुए कैप्सिकम डालेंगे और इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। हमने जो प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको इसमें मिला लेंगे। थोड़ा पानी मिलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अब 2 टीस्पून कढ़ाई मसाला इसमें मिला लेंगे। मसाला भून जाने के बाद अब इसमें पनीर को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब ऊपर से क्रीम डालेंगे और क्रीम को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा कढ़ाई पनीर तैयार है परोसने के लिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है।